नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक शेयर के बारे में, जहां इस स्टॉक का टेक्निकली ओवरव्यू के साथ साथ जो ब्रेकिंग न्यूज है उसको भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि इस स्टॉक आपने पहले से होल्ड कर रखा है या फिर फ्रेश पोजिशन लेना चाहते हैं, तो इस एपिसोड में लास्ट तक जरूर बने रहे। टेक्निकल ओवरव्यू करने से पहले जो इसका ब्रेकिंग न्यूज है उसको जानेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फिनटेक कंपनी वर्ल्ड कार्ड के साथ इसने कोलैबोरेट किया है, जिसमें ये बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी और क्रेडिट कार्ड वीजा का होगा जो कि इंटरनेशनली होगा। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और ज्वाइनिंग चार्ज फ्री है। और आज के डेट में मार्केट के अंदर क्रेडिट कार्ड का बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो हर बैंक चाहती है कि वो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करे ही करे। तो इस बैंक का फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बहुत ही अच्छी खबर है। साथ में फॉरेक्स यानी कि विदेश में अगर इस कार्ड को यूज करता है तो उसका भी चार्ज मिनिमम 1% का ही रखा गया है, जो मामूली और अमूमन तौर पे लगभग 2-2.5-3% के आसपास का होता है। तो ये अच्छी खबर बैंक के लिए है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से। साथ में शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर टेक्निकली इस स्टॉक को देखें तो इस समय ये स्टॉक 10 रुपए के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है और इसने 14 के 52 वीक हाई को बनाया। वहां से कंटिन्यूअस ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, 9 रुपए के प्राइस तक गया और 9 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां से रिबाउंड होते हुए दिखा है और इस समय 10 के प्राइस पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखेंगे तो 50 का इंडिकेट कर रहा है। साथ ही अगर पास्ट प्राइस एक्शन इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 10 रुपए के प्राइस से ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड था, उसके बाद 7.5 के आसपास का लो बनाया, वहां से 14 का ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद से कंटिन्यूअस गिरते रहा और इस समय 10 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो 10 के प्राइस पे इस समय ट्रेड हो रहा है और टेक्निकली ये स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक में होल्ड करना चाहते हैं और आपका होरिजन 1 साल के ऊपर का है तो ये एक आइडियल बाइंग हो सकता है। इस समय ये स्टॉक 10 के प्राइस पे ट्रेड है। इसका जो टारगेट होगा अगले 2 साल प्लस के लिए वो 20 प्लस का टारगेट होगा, यानी यहां से डबल होते हुए ये स्टॉक आपको जरूर दिखेगा। नमस्कार।